नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सरल भाषा अधिगम से संबंधित दादरा नगर हवेली के शिक्षकों द्वारा नवाचारिक शिक्षक द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अर्थ पहचानो और उत्तर दो। सबसे पहले मैं आपको इस केस स्टडी सरल भाषा अधिगम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं उसमें सभी भाषाओं को का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, या जिस भी प्रदेश में जाके, मान लीजिए आज की परिस्थिति ये है कि आज किसी को भी किसी भी प्रदेश में जाके काम करना पड़ सकता है, किसी विदेश में जाके भी काम करना पड़ सकता है। तो इस वजह से भाषा का जो ज्ञान है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो, तो सभी भाषाओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और जिसमें अंग्रेजी जो है, जो वैश्वीकरण आज जिस हद तक बढ़ चुका है, तो अब जो पूरी दुनिया है वह एक छोटा परिवार हो चुकी है। तो इस कारण, वैश्वीकरण के कारण, इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों में बचपन से ही उनमें भाषा कौशल का विकास किया जा सके। उनकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो दादरा नगर हवेली के नवाचारी शिक्षक हैं, उन्होंने यह नवाचार दिया है। इस नवाचार के अंतर्गत कुछ सामान्य से शब्द होते हैं अंग्रेजी के, जिनका इस्तेमाल करके, जिनका प्रयोग करने से जो छात्र हैं उनको अंग्रेजी भाषा और अन्य दूसरी भाषाओं का भी अच्छे तरीके से ज्ञान कराया जाता है। जिसमें कुछ शब्द, जैसे उदाहरण के लिए दो शब्द हैं, जिसमें एक शब्द है सिट मतलब बैठना, एक है स्टैंड अप यानी खड़े होना। तो बच्चों को यही गतिविधि कराई जाती है। एक इसमें उनको बता दिया जाता है कि सिट, जैसे ही मैं सिट बोलूँगा तो आपको बैठना है, और जैसे मैं स्टैंड अप बोलूँगा तो आपको खड़े होना है। तो इसमें केवल इस गतिविधि को करने से ही, अलग से उनको याद करने के लिए नहीं दिया जाता है छात्रों को, केवल ये गतिविधि कराई जाती है। तो केवल इसी गतिविधि के माध्यम से उन्हें अंग्रेजी भाषा का ध्यान ज्ञान हो जाता है, जिसमें उनको कब खड़े होना है, कब बैठना है, और खड़े होने और बैठने का क्या अंतर है, यह उनको पता चल जाता है। उनको अगर अलग से याद करने को दिया जाएगा तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे या वो केवल उसे रट लेंगे, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा एक प्रैक्टिकल उनको बताया जा रहा है, प्रायोगिक तरीके से उनको बताया जा रहा है कि सिट मतलब बैठना और स्टैंड अप मतलब खड़े होना। इसी तरीके से और भी कई सारे अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लेफ्ट और राइट। इसके अलावा फ्रंट मतलब सामने, बैक मतलब पीछे। तो उनको इस तरीके से बताया, फ्रंट मतलब सामने देखिए, बैक मतलब पीछे देखिए, लेफ्ट तो लेफ्ट हैंड को ऊपर करिए, राइट तो राइट हैंड को ऊपर करिए। तो इस तरीके की गतिविधि जब उनसे कराई जाती है तो उनको इन सारी वस्तुओं का, इन सारी गतिविधियों का ज्ञान हो जाता है। उनका अलग से एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त मेहनत करने की उनको आवश्यकता उनके साथ नहीं होती है। हम आशा करते हैं ये जो नवाचार था आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई सारे दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आपसे अनुरोध है कि अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा ZIIEI का जो पेज है उसे लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।